यस सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आई एम मनोज गोयल। सो आई विल बी टेकिंग योर क्लास टुडे फॉर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो आई होप हाँ प्लीज प्लीज सेटल डाउन स्टूडेंट्स फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट। बच्चों फटाफट से सेटल हो जाइए। टीचर इन सेक्शन 8B प्लीज एडजस्ट योर कैमरा। 8B प्लीज एडजस्ट योर कैमरा बच्चों। थोड़ा सा और बच्चों, थोड़ा सा और। स्टिल इट इज नॉट स्ट्रेट। यस थोड़ा थोड़ा सा और बचे। यस आई थिंक थोड़ा सा मैम नीचे कर दीजिए सो दैट आई कैन सी द किड्स। स्टूडेंट विजिबल हो जाएं जिससे। हाँ जी राइट 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 मैम। नो नो नीचे की तरफ कीजिए थोड़ा। हाँ जी यस 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 ठीक जा रहे हैं जी। थोड़ा सा और नो नो मैम पहले ठीक जा रहे थे। हाँ जी हाँ जी बस थोड़ा सा नीचे कर दीजिए यहीं पे। नहीं नहीं प्लीज। हाँ तो बस 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 थोड़ा सा और। हाँ जी यस आई थिंक दिस इज बेटर राइट। हाँ नो नो मैम प्लीज डोंट रोटेट अगेन। यू हैव स्टार्टेड रोटेटिंग। यस प्लीज स्टॉप हेयर। नो मैम प्लीज थोड़ा बच्चा फिर। अरे सेटल हो गया था थोड़ा आपने फिर ट्विस्ट कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पे है इसको थोड़ा नीचे। अब स्ट्रेट है आप। यस दिस इज बेटर। प्लीज स्टॉप एयर ओनली। बस ठीक है जी। अभी एक रो विजिबल नहीं है। आई कैन सी ओनली वन रो क्लियरली। अदर रो इज नॉट क्लियर। चलिए प्लीज प्लीज स्टॉप जी। यस सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए स्टूडेंट्स सो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूब। क्या होता है बच्चों क्यूब, कौन बताएगा? यस आ जाइए बच्चे आप सेक्शन 8E में फ्रंट बेंच। हाँ जी सर मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करना। ओके और क्या? चलिए बैठ जाइए। सर, 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। प्लीज सिट डाउन। और कुछ क्या होता है बच्चों क्यूब? यस मैं नाम लेके पूछूं? हाँ जी एंजल। वेयर इज एंजल? एंजल इज देयर 8A। यस बेटा व्हाट इज क्यूब, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? बेटा आप लोगों ने लूडो कितने लोगों ने खेली है? अच्छा इनमें से फोन पे कितने लोगों ने खेली है और मैनुअली कितने लोगों ने खेली है लूडो? जिन लोगों ने वो कार्डबोर्ड पे और उस पे खेली है वो हाथ खड़ा करें जरा आप लोग। अच्छा बेटा वो जो एक डाइस होती है, डाइस देखी है आप लोगों ने क्या होती है? डाइस, डाइस की शेप कैसी होती है? हाँ जी राइट। सो जो डाइस है वो एक क्यूब होती है। उसकी शेप किस तरह से होती है जी? एक क्यूब की तरह।
राइट जी, ये इस तरह की शेप होती है इसकी। चलिए इज दिस क्लियर। तो ये क्यूब की शेप होती है। नाउ इस क्यूब के अंदर विच टाइप ऑफ शेप दिस इज? ये टू डायमेंशनल शेप है या थ्री डायमेंशनल शेप है? यस डायमेंशनल डायमेंशनल। अच्छा, किसने बोला बेटा थ्री डायमेंशनल? माइक पे आ जाए जरा, कोई भी एक बच्चा जो माइक पे आ जाए, किसने थ्री डी बोला है? हाँ जी बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्री डी? क्या मतलब होता है थ्री डी का? बट ऐसे नहीं, साइड टॉक नहीं करनी है, जिसको पता है माइक पे आके खड़ा होके बताए जरा। आता है तब भी ठीक, आता है तब भी प्लीज। टीचर प्लीज हेल्प मी, टीचर टीचर ऑल द टीचर कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इफ आई कैन सी देम। आई एम नॉट एबल टू सी द टीचर्स। यस मैम इज देयर एंड 8B। और कौन कौन टीचर्स प्रेजेंट है जी क्लास में? यस मैम, 8C इज ऑल्सो विजिबल। 8D सर इज देयर एंड 8F, 8E, 8F मैम इज देयर। हु इज देयर इन द 8E? 8E में टीचर नहीं है जी। चलिए, और जी टीचर माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बच्चों को माइक पे भेजिए सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। राइट जी, सो किस बच्चे ने बोला था कि 3D शेप है ये? जो 3D शेप होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय 3D शेप? हाँ जी, 8D आपका माइक ऑफ है जी, प्लीज ऑन कर लीजिए। प्लीज स्विच ऑन योर माइक। ए डी देखिए बच्चों, जब हम 3D की बात करते हैं तो यहाँ पे D का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस। राइट, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है जी? लेंथ, ब्रेड, हाइट एक्सेट्रा। राइट, सो जो 2D शेप्स होती हैं, दे हैव लेंथ एंड ब्रेड, एंड 3D शेप्स हैव हाइट आल्सो। नाउ एक जो क्यूब होता है, उसकी लेंथ, ब्रेड एंड हाइट सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो हम एज बोलते हैं इसको, द लेंथ ऑफ दिस एज इज ए, ब्रेड इज आल्सो ए, एंड हाइट इज आल्सो ए। इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ वेन वी से क्यूब, वट इज द मीनिंग ऑफ ए क्यूब? वी आर मल्टीप्लाइंग दीज ऑल इक्वल डायमेंशंस। मीन्स वेन आई से जस्ट क्यूब, द मीनिंग ऑफ क्यूब इज ए इंटू ए। राइट और नॉट जी? इज दिस क्लियर? सो सही है। दिस इज कॉल्ड क्यूब। राइट, नाउ इट कैन बी रिटन एज ए क्यूब। राइट, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर हम इसको मेंसुरेशन की फॉर्म में करें, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड इट इज रेड एज ए क्यूब। इज इट क्लियर मैम? प्लीज, व्हाट हैपन इन सेक्शन 8F? स्टिल सम स्टूडेंट आर नॉट सेटल्ड। राइट, सो ए क्यूब। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब? किसी बच्चे ने अभी बताया था कि, कुछ नहीं हाँ था जी, 8 तो प्लीज ज्वाइन 8 थे। फेज जॉइन। ओके ओके, यू हैव गॉट आउट ऑफ द, एट ए। यस, 8A, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? 8A, कैन यू हियर मी? नो रिस्पॉन्स।
8A, कैन यू हियर मी ऑल? गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर क्लास। सो बच्चों आज हमने स्टार्ट किया है क्यूब एंड क्यूब रूट। आई वाज जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन व्हाट इज ए क्यूब। क्यूब जो है बच्चों एक शेप होती है, एक से थ्री डायमेंशनल शेप, राइट, जिसकी ऑल साइड्स मींस साइड्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब? मीनिंग ऑफ क्यूब इज मल्टीप्लाइंग ए नंबर थ्री टाइम्स इटसेल्फ, मल्टीप्लाइंग ए नंबर थ्री टाइम्स बाय इटसेल्फ। इज दिस क्लियर और नॉट जी? यस सर। राइट, सो नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर थ्री टाइम्स दिस इज नोन एज क्यूब। दिस क्लियर बच्चों? यस सर। सो नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड अबाउट द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10, ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स? स्टार्टिंग फ्रॉम वन, राइट। देखिए बच्चों जब भी आप क्यूब लेते हैं, नाउ हेयर इज अ नंबर, हेयर इज इट्स क्यूब। इफ यू टेक क्यूब ऑफ वन, वन विल बी वन इंटू वन वन, व्हाट विल बी टू क्यूब? एट। एट मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाय, राइट। व्हाट इज द क्यूब ऑफ थ्री? 25। किसने बोला बच्चों? 27। राइट। 4, 5, 125। What happened? There is yeah. Right? So what is the cube of 6? 216. Cube of 7? 343. Cube of 8? 512. Cube of 9? 729. And cube of 10. How's that? Right. So these are the cubes of first 10 natural number. Now we'll understand some things on these. First of all, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका आप क्यूब लेते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी? यस बच्चों, विच डिजिट विल बी एट्स यूनिट्स प्लेस? कौन कौन सी डिजिट्स हो सकती है? डिजिट्स एट वंस प्लेस, वन इज देयर, वन के बाद टू इज देयर, यस, थ्री इज आल्सो देयर, फोर इज देयर, यस, फाइव, यस, यस, सेवन, यस सर, सेवन इज देयर, एट, यस सर, नाइन, यस सर, एंड जीरो इज आल्सो देयर, यस। सो नाउ देयर आर 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, एंड द लास्ट डिजिट ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स कैन हैव ऑल द डिफरेंट डिजिट्स। सी, नन ऑफ द टू नंबर्स हैव द सेम डिजिट एट वंस प्लेस। देख रहे हैं आप,
जैसे जब हम स्क्वायर करते थे बच्चों, तो कुछ नंबर जो थे वो यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आते थे, बट व्हेन यू टेक अबाउट द क्यूब ऑल 10 डिफरेंट नंबर्स हैव डिफरेंट डिजिट्स हैव टेंस प्लेस इन देयर क्यूब्स, राइट? सो कोई भी नंबर रिपीट नहीं है जी, राइट और नॉट जी? नाउ नाउ विच एवर नंबर यू टेक, राइट, विच एवर नंबर यू टेक, उनके जो लास्ट के जो डिजिट्स होंगे, सपोज 1 लिया आपने, तो अगर यहाँ पे आप 11 का क्यूब लेते हैं, 21 क्यूब लेते हैं, सबके जो क्यूब की लास्ट डिजिट कौन सी होगी जी? 1. सिमिलरली अगर आप 2 वाले नंबर्स लेते हैं, मीन्स 12, 22, 32, 42, विच विल बी द लास्ट डिजिट? 8. सिमिलरली ऑल द नंबर विल हैव लास्ट डिजिट्स एज सेम एज फॉर 1, 2, 3, 4, मीन्स यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसके क्यूब में जो लास्ट डिजिट आ रही है, दैट विल बी द सेम डिजिट एट इन ऑल द क्यूब्स. समझ में आया बच्चों? यस सर. सपोज कीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 107, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर? 9, 3. देखिए बच्चों, 7 का लास्ट डिजिट क्या है? 3. तो 107 के भी लास्ट डिजिट जो होगा क्यूब का, जो लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी 3. समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा जी? यस और नो? कोई डाउट बच्चों इसमें? ठीक है, तो ये अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो, वैसे तो आई थिंक देयर इज नो नीड. करना है बच्चों नोट? या जी, वेरी गुड. चलिए अब हम कुछ पैटर्न्स डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट नंबर इज 1, 1 का क्यूब इज 1. व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? 8. क्यूब ऑफ 3? 27. चलिए अब ध्यान से देखिए, दिस इज रिटन एज 1. 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है जी? ऑड नंबर 3. थ्री के बाद 5 होता है जी? यस सर. दिस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द नेक्स्ट टू ऑड नंबर्स. 5 के बाद कौन सा नंबर होता है जी? 7. देख रहे हो बच्चों आप, पैटर्न समझ आ रहा है? यस सर. राइट. 4 क्यूब 34. नेक्स्ट 3 कौन कौन से नंबर हो गए? 13, 15, 17. कम नहीं बन रहा है, देखो बढ़ रहा है. 4 लेने हैं यहाँ पे, 4 है ना बेटा, तो 4 क्या आ जाएंगे? 17, 19. इनका इनका सम देखिए क्या बन रहा है, जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे जरा. 64 बन रहा है. 64 बच्चों. What is the cube of 5? 125. अब ये किस किस का सम होगा बच्चों, बताइए जरा. 21, 23, 25, 27, 29. पैटर्न समझ आ रहा है आप लोगों को बच्चे? ठीक है ना, देखो है ना इंटरेस्टेड काफी. देखिए जो अब आपके आपको 1 का क्यूब निकालना था, तो ओनली 1 डिजिट इज देयर, सम ऑफ 1 डिजिट. 2 का क्यूब निकालना है तो 2 ऑड नंबर्स का क्यूब है, 2 ऑड नंबर का सम है. 3 का क्यूब निकालना है, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम है. 4 का क्यूब, नेक्स्ट 4 नंबर्स का क्यूब सम है, 4 ऑड नंबर्स का, एंड सेम पैटर्न गोज ऑन. समझ में आया बच्चों? नहीं आया जी? यस सर. यस. इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन राइट डाउन. सो व्हाट यू कैन राइट डाउन हियर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स
can be expressed as sum of odd numbers. बेटा दिस दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स. किस तरह से आ सकता है? आपको यहाँ पे क्यूब गिवन होगा. सपोज यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए सम में, एंड सम नंबर्स कैन बी मिसिंग, राइट? सपोज कीजिए मैंने ये दो नंबर जो है मिस कर दिए और यहाँ पे डैश आ गया. दिस क्वेश्चन कैन बी देयर फिलिप्स? यस और नो? यस. सो प्लीज नोट डाउन. ज्यादा वो एनसीईआरटी मांगी थी मैंने, यादव जी से ना मैंने देखा एनसीईआरटी. यस बच्चों हो गया नोट डाउन? यस सर. चलिए बच्चों अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे डिस्कस करता हूं मैं. वी हैव दिस नंबर, टेल मी वेदर दिस इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट. दिस इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट, यस और नो? नो. कैन दिस बी रिटन एज अ सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स? So yes. Yes. Tell me which two numbers cube it is. 12 cube and 1 cube. 12 cube and 1 cube. Yes or no? Yes. So this is the smallest number. This is the smallest number which can be expressed as the sum of cube of two numbers, right? So there is a very interesting story about this. You know who was India's most famous mathematician? Ramanujam. How many of heard of his name? Ramanujam, right? So once he was in England. So a very famous mathematician of England, Mr. Hardy, right? Okay. Hardy comes to meet him, right? Mr. Hardy comes to meet him. Now, so they started discussing. Okay. Naturally, दोनों mathematician थे तो math की बात करेंगे, और तो क्या बचा उनके लिए बेचारे को. ठीक है. तो they were discussing. तो Hardy told Ramanujan कि द टैक्सी इन विच आई केम इट्स नंबर वाज 1729. सो वेरी बोरिंग नंबर दिस इज. ही सेज वेरी बोरिंग नंबर दिस इज. तो रामानुजम सेड कि नो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स, टू डिफरेंट नंबर्स. मीन्स इट इज द smallest number which can be expressed as a sum of cubes of two numbers. That's why this number, the name of this number is given as R.D. Ramanujam number. Right, ji? So, right? So, it is one of the most interesting story about this number. Is this clear, ji? Is this clear or not, ji? Yes, sir. Now we do some questions. We do some question on this.
Now, how to check a perfect cube? How to check whether a number is perfect cube or not? Yes, bacho. How to check whether a number is perfect cube or not? Yes, student. A D beta. What happened? यस चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से. इंद्रजीत कौर 8A 8A गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. बेटा एक बात बताइए कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. इंद्रजीत प्लीज सिट डाउन. If you don't know, who will tell? Yeah, please come, bache. I can see student in AT. Yes. Good morning, sir. So by prime factorization method. Okay. How will check whether by prime factorization? So by taking LCM. By taking LCM. What is LCM? बेटा हमें prime factorization से LCM थोड़े find out करना है. हमें तो से बाय टेकिंग फैक्टर्स. या प्राइम फैक्टराइजेशन इज फॉर फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने के लिए. सपोज मेरे पास एक नंबर है, आई हैव टू चेक वेदर दिस इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट. व्हाट आई विल डू? आई विल मेक इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट? यस सर. आई मेक इट प्राइम फैक्टर्स. टू पे गया बच्चे ये, देन राइट. अब 239 किस पे डिविजिबल है बच्चों? 3 पे डिविजिबल है. ये कौन कह रहा है 3 पे है जी? बच्चे 3 पे तो नहीं है ये. इसका देखिए डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. दैट्स मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. देन किस पे डिविजिबल है बच्चों ये? 7 पे देखो जरा, है डिविजिबल? मुझे तो नहीं लग रहा. नाइन पे देखिए जरा, नाइन पे भी नहीं है जी. आगे 13. हाँ जी 13 वाला कौन है बच्चे? 13 पे चेक किया आपने या बस तुक्का मार दिया? तुक्का नहीं मारना बच्चों, चेक करके बताओ जरा मुझे. 13 पे नहीं है ये, 13 पे नहीं है बेटे. ये 17 पे देखो जरा, 17 पे भी नहीं है. 21 नो, 23 नो, 27 बेटा. दिस इज अ प्राइम नंबर. दिस इज ए प्राइम नंबर, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल. सो हम चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल लेते हैं. और लाइक दैट वी हैव 512. Now we'll make it prime factorization. Factorization कैसे बनाएंगे बच्चों? 2. Is this clear? Sir. किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो please tell me. Right बच्चों? ये बन गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन. यस. उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर बने हैं उनके 3-3 की पेयरिंग करनी है, राइट? जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हुए या स्क्वायर फाइंड आउट करते हुए आप क्या करते थे, 2 की पेयरिंग करते थे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-3 की पेयरिंग करनी है. अब इस पेयर से एक नंबर आ जाएगा 2, दूसरे पेयर से और तीसरे पेयर से. तो ये क्या बन गया आपका क्यूब? 8, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, प्लीज प्लीज लिसन. व्हाट हैपन इन क्लास 80 बच्चों, क्या करना है आपको? सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर बनाए,
उसके बाद जिन फैक्टर्स के थ्री थ्री के पेयर्स बन रहे हैं, थ्री का पेयर बन गया तो उसके प्लेस पे सिंगल टाइम्स लेना है। यहाँ पे थ्री का पेयर बना तो सिंगल, थ्री का पेयर सिंगल, उनका लेके आपको क्यूब निकालना है जी, चेक करना है कि वेदर इट इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। मेथड समझ आ गया सब बच्चों को? एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग? यस सर। यस बच्चों, विल यू डू इट? यस सर। प्लीज चेक दिस नंबर वेदर इट इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। प्लीज चेक वेदर दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। हाँ जी, हाँ जी बच्चों कर रहे हैं आप लोग? प्लीज डू इट। Sir, it is not a perfect cube. Not a perfect cube. It is not a perfect cube. Yes, बच्चों, is it a perfect cube or not? Then no. अच्छा, चलिए इसके प्राइम बताते हैं एक बार। ठीक है जी। Is this clear? यहां तक यही बन रहे थे बच्चों आपके फैक्टर्स? Yes, sir. इसके बाद आगे करते हैं जी। अब ये 13 जो है एक प्राइम नंबर आ गया बेटा, तो यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर, ये तो बन रहा है यहां तक, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन मेक दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय सम नंबर, बिन अ नंबर बाय विच वी शैल मल्टीप्लाई इट टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों? बाय विच नंबर वी शैल मल्टीप्लाई दिस? 13। यस, हाउ मेनी ऑफ यू से 13? प्लीज रेज योर हैंड। नो, ओनली फ्यू। क्लियर? देखिए बच्चे, यहां पे जो है हमारे पास सारे जो टू हैं उनके क्यूब्स बन गए हैं, मींस इसके जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए ये बन गया हमारे पास,
राइट. इज दिस क्लियर? नाउ इन चारों नंबर के हमारे पास क्यूब बन गए हैं. इफ वी मेक द क्यूब ऑफ 13, इफ वी मेक द क्यूब ऑफ 13, देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब. नाउ 13 का क्यूब बनाने के लिए वी हैव पावर ऑफ 13 एज 1, तो वी शैल मल्टीप्लाई बाय द पावर 2. यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट जी? यस सर. बेटा हमें 13 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली वील गेट ए परफेक्ट क्यूब. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 13 स्क्वायर, दैट इज 169. इफ मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 169 वील गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. इज इट क्लियर? यस सर. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर by 169 to get a perfect cube. Clear? Is this clear or not? Yes, sir. Now, next question. See, first question was whether this number is a perfect cube or not. Second question is by what number we shall multiply this to make it a perfect cube. Now, third part is after multiplying by 169, then what will be the of which number it will be a cube. Okay, after multiplying by 169, of which number it will be a perfect cube. Kis number ka cube hoga bachcho? Ye dekhiye, aapke paas 2 yahan se aaya, 4 times 2 aa gaya. Jab aap 13 square se multiply kar denge to 13 yahan se aayega, तो इस नंबर का क्यूब हो जाएगा जी. क्लियर और नॉट? यस सर. तो क्या नंबर बन जाएगा बच्चों, बताइए जरा. ये बन गया जी, राइट और नॉट? देन इट नंबर विल बी ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 208, राइट? यस और नो? यस सर. अब सेम अगर क्वेश्चन को मैं डिफरेंट कर दूं, क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. किस नंबर से डिवाइड करें इसको? 13. हां जी, 14. 13. वेरी गुड, 13. बिकॉज ये 13 जो है इसकी पावर 1 है, अगर हम इससे डिवाइड करें तो 13 कैंसिल हो जाएगा 13 से, तो इट विल लेफ्ट है परफेक्ट क्यूब. समझ में आया बच्चों? नहीं आया? इज दिस क्लियर? इसको नोट करना है या नहीं? कर लिया. वेरी गुड. नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इस पे. और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों. यस, सपोज वी हैव 36275. नाउ चेक वेदर दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट. प्लीज चेक. थ्री सिक्स टू सेवन फाइव दिस इज अ नंबर. हाँ जी बच्चों, हो गया?
Yes, student, done. चलिए मेरे को नाम लेके ही पूछने पड़ेंगे फिर हैं। गुरताज 8B। हाँ जी बच्चे हो गए आपका? हेलो। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी समनीत, समनीत 8B। अच्छा जी ओके। मन्नत चौधरी 8C। डन बच्चे ओके ओके। प्लीज डू ऑल, प्लीज कैरी ऑन। Sir, it's not a perfect cube. It's not a perfect cube, right? So prime factorization क्या क्या बनी इसकी बताइए जरा मुझे बच्चों। एक मिनट, आराम से आराम से, मेरी स्पीड थोड़ी कम है, प्लीज मेरे साथ चलिएगा जरा। हाँ जी फाइव से किया तो 5 7 35, 5 2 10, ठीक है जी। देन पे किया 5 1 5, 5 4 सा, इसके बाद बस आगे नहीं कहीं पे जा रहे हैं। नहीं टू पे किसका, टू पे कौन है बच्चे, टू वाला तो होएगा ही नहीं है। इसके बाद कहीं पे नहीं हो रहा ये, थ्री थ्री पे नहीं जा रहा जी, फोर पे, फाइव पे भी नहीं है, 6 7 पे, 9 पे नहीं होगा, 11 13 13 पे भी नहीं है जी, 17 17 बच्चों यस और नो, 19, सो दिस इज ए परफेक्ट, दिस इज ए प्राइम नंबर है, सो देयर फोर दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर वी शैल डिवाइड इट टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। 1 4 5 1, अगर 1 4 5 1 से डिवाइड कर दे सो वील हैव ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है जी। राइट बच्चों, आप लोगों के पास असाइनमेंट है बेटा? यस। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन ओपन कीजिए जरा, एमसीक्यू ओपन कीजिए जरा। हाँ जी बच्चों ओपन हो गया। यस। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी मेथड से? यस। प्लीज ट्राई एंड टेल मी द आंसर। 7। 7, वाह वाह, क्या पहले ही कर चुके हो क्या? यस। देखिए बच्चों जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं कर देता हूँ, 392, 196, 98,
392 बेटा प्लीज प्लीज शोर ना करें जरा। जिन लोगों ने अरे आई कैन सी एटी बेंच बच्चे प्लीज नो टॉक ठीक है बच्चे। ये दिस कैन बी रिटन एज इज दिस क्लियर। सो नाउ टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शैल हैव सेवन क्यूब। टू मेक सेवन क्यूब इफ वी मल्टीप्लाइड बाय सेवन विल गेट द परफेक्ट क्यूब। तो आंसर विल बी सेवन सी चॉइस। नाउ डू द सेकेंड क्वेश्चन वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। टू। मुझे बताइए जरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी है इसकी बच्चों। टूजा टू समझ में आ रहा है बच्चों ये इजी है ये तो। अब उसके बाद 64 चलिए आप देखिए एक क्यूब एक फैक्टर बन गया सेकेंड फोर्थ राइट और नॉट जी। तो यू हैव 8192 इज इक्वल टू टू क्यूब इंटू टू क्यूब इंटू सो बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू टू एंड बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। By which number we shall multiply this? Four. Four. Is it clear? अगर इसको multiply करना है तो हमें इसको two cube बनाना है। Two cube बनाने के लिए we have to multiply it by two square. So multiply करना है four से और divide करना है तो इसको remove कर दें। That is two raised to power one, which is two. Is this clear, जी? Yeah. चलिए next question करें बेटा third question इसका। हाँ जी व्हाट हैपन स्टूडेंट्स व्हाई सो मच नॉइस। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 98784 वी हैव टू फाइंड द नंबर द रेशियो इज 1, 2 and 3 नाउ द नंबर बाय एडिंग देम क्यूब दिस इज अ नंबर राइट जी। इज दिस क्लियर कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो राइट एक्स बी कॉमन रेशियो तो नंबर क्या हो गया हमारे पास। ओके बच्चों सो विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन मंडे। Thank you very much for joining. Bye. Bye.